हाय फ्रेंड्स, MySQL विथ PHP में फिर से वेलकम। आगे बढ़ेंगे हम। लास्ट वीडियो में रिकॉर्ड्स को हमने डिस्प्ले करवाए थे, सभी रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाए थे विद हेल्प ऑफ फॉर लूप। आज की वीडियो में बात करेंगे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाने के लिए व्हाइल लूप का कैसे इस्तेमाल करते हैं। व्हाइल लूप में जो फॉर लूप के तीन पार्ट हमने बताए थे, मैंने बताया थे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, वो हमें सेपरेट लिखने होंगे। तो कैसे लिखेंगे, ये फोर का स्टेटमेंट निकाल देते हैं। अब यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे डॉलर आई इज इक्वल टू जीरो इनिशियल वैल्यू, यहां पे हो जाएगा व्हाइल आई लेस देन डॉलर काउंट। और जो लास्ट पार्ट हमारा है वो है इंक्रीमेंट, वो जो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाने के बाद डॉलर आई प्लस प्लस। ये हो गया व्हाइल लूप की मदद से हमारा एक्चुअल प्रोग्राम। जितने भी रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले करवाने हैं वो सभी रिकॉर्ड्स हम व्हाइल लूप की मदद से डिस्प्ले करवाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने फॉर लूप से बताया था, इस वीडियो में व्हाइल लूप की मदद से। अगर अगर आप आउटपुट को देखेंगे तो आपको कोई डिफरेंस मालूम नहीं होगा, क्योंकि रिकॉर्ड्स वही है। जो नेक्स्ट वीडियो है, जो एक्चुअल मेथड वेबसाइट डेवलपमेंट में इस्तेमाल की जाते हैं उसके बारे में बात करूंगा, इम्पोर्टेंट है। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ देखिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, रिकॉर्ड्स को व्हाइल लूप में कैसे डिस्प्ले करेंगे। वीडियो में कोई भी दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट में लिखिए। जितनी हो सके उतनी जल्दी मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।